Dividend valuation model is used to calculate either cost of equity. इसके जरिए हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके जरिए हम बिजनेस की वैल्यूएशन भी कर सकते हैं और शेयर प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इट्स अ ड्यूल पर्पस. सो क्वेश्चन के हिसाब से, सो F3 के अंदर हम यूजुअली इसको यूज कर रहे होते हैं एज अ बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल. सो बिजनेस वैल्यूएशन मॉडल के लिए अगर हमें शेयर प्राइस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें डिविडेंड चाहिए होता है, उस डिविडेंड के अंदर ग्रोथ रेट चाहिए होती है और अ सूटेबल डिस्काउंट रेट विच इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. सो दिस इज अ कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल. इसके अंदर हमारी अजम्पशन ये होती है कि डिविडेंड की कॉन्स्टेंट ग्रोथ होगी, और अगर हम नो ग्रोथ मॉडल यूज करते हैं तो फिर इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि जी 1+G आप इसमें से हटा दें और देन इट्स सिंपली डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ. कॉन्स्टेंट ग्रोथ के अंदर नीचे यहाँ पर आपको जी भी माइनस करना पड़ेगा फॉर्मूले के अंदर. सो ये कॉन्स्टेंट ग्रोथ का मॉडल आ जाएगा, नो ग्रोथ का होगा हो गया डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. सो अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम शेयर वैल्यूएशन की बात करते हैं अंडर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि शेयर प्राइस जो भी आज प्रिवेल कर रही है is equal to present value of future dividend stream. यानी कि अगर हम future dividend find out कर लें, कितना future dividend indefinite time period तक जो भी हमें future में dividend मिलने वाला है, अगर उसको discount करके आज उसकी PV find out कर लें, so that PV is equal to current share price or the value of the business. तो या तो आप डायरेक्टली करंट शेयर प्राइस फाइंड आउट कर लें या वैल्यू ऑफ द बिजनेस आइडेंटिफाई कर लें. सो अगर आपने करंट शेयर प्राइस फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई की $2 पर शेयर, तो बिजनेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं. $2 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जाम्पल 100,000 शेयर प्रीवेल कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ द बिजनेस हो जाएगी $200,000. दिस इज वन ऑफ द वे जिसके जरिए हम डिविडेंड की बेसिस के ऊपर किसी भी कंपनी को वैल्यू कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट फ्यू वैल्यूज. सो फॉर एग्जाम्पल करंट डिविडेंड इज 250,000, नंबर ऑफ शेयर्स 2 million, return to shareholder is 12% or a risk premium is added because the company जिसको हम evaluate कर रहे हैं वो एक smaller company है, तो उसके लिए एक risk premium add किया जा रहा है. so return जो होगा वो obviously सेम नहीं रहेगा, बल्कि रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगा और रिटर्न अब हो जाएगा 14%. सो फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल. पहले कॉन्स्टेंट ग्रोथ से करते हैं, अज्यूमिंग देयर इज नो ग्रोथ से कर लेते हैं. तो हमारा फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिविडेंड है 250,000 का. अगर हम पूरा डिविडेंड रख देंगे तो फिर वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, फिर शेयर प्राइस नहीं आएगी, और अगर डिविडेंड पर शेयर रखेंगे तो शेयर प्राइस आएगी. सो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नाउ 12%, लेकिन क्योंकि रिस्क प्रीमियम हमने इसके अंदर ऐड किया है तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है
approximately 1.786 मिलियन। और अगर हम इसे पर शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1.786 मिलियन को अगर 2 मिलियन से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 0.893 पर शेयर, इस शेयर प्राइस आ गया। सेकेंड में हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी कॉन्स्टेंट ग्रोथ ऑफ 4% अगर है डिविडेंड की, तो अब आपकी वैल्यूएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आपके ऊपर जो वैल्यूएशन है 2,50,000 विल रिमेन द सेम, 1+0.04 की ग्रोथ इसके अंदर ऐड होगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी -4%। सो नाउ द आंसर विल बी 2.6 मिलियन इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, और 2.6 मिलियन को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 1.30 पर शेयर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ग्रोथ आइडेंटिफाई करने के लिए इस मॉडल के अंदर अगर ग्रोथ नहीं दी हुई होती तो ग्रोथ आइडेंटिफाई करने के लिए हिस्टोरिकल डिविडेंड पैटर्न से ग्रोथ निकाली जाती है। या गॉर्डन ग्रोथ का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, G=RE(B). बिजनेस वैल्यूएशन के लिए ग्रोथ यूजुअली गिवन होती है, तो वो हिस्टोरिकल से निकालकर या गॉर्डन ग्रोथ के मॉडल से निकालकर आपको ग्रोथ गिवन होगी। तो आपको ये चेक करना है कि नो ग्रोथ है कॉन्स्टेंट ग्रोथ है, तो उन दोनों को तो हम फॉर्मूले से इजीली कर सकते हैं। लेकिन बाद दफा ये आता है सवाल के अंदर कि कॉन्स्टेंट ग्रोथ एक टाइम तक होती है, उसके बाद अनइवन ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। सो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम कि उस अनइवन ग्रोथ को किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। सो लेट्स डिस्कस कि अगर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के अंदर कोई अनइवन ग्रोथ आ जाती है, यानी कि कॉन्स्टेंट ग्रोथ नहीं होती, तो फिर उसकी बिजनेस वैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी। अगर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल नहीं है तो डिविडेंड वैल्यूएशन का फॉर्मूला इसके ऊपर नहीं लग सकता, और फिर हमें उसको अकॉर्डिंगली उस फॉर्मूले के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या लगता है। सो बाय टेकिंग एग्जांपल, इसी एग्जांपल को अगर हम बेस बनाएं तो हमारा करंट डिविडेंड है 2,50,000, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास हैं 2 मिलियन के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास है 14% का, एज्यूमिंग डिविडेंड इज कॉन्स्टेंट for first 3 years, and then grow at 4% per annum thereafter. इसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशन कुछ इस तरह से बन रही है कि आपका जो 250 का डिविडेंड है पहले साल, 250 का सेकंड ईयर में, 250 का थर्ड ईयर, लेकिन फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपका जो डिविडेंड है वो 250+1+0.04 की ग्रोथ के साथ आपको मिलेगा, फोर ईयर इंक्लूसिव, यानी कि चौथे साल से ऑनवर्ड्स आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो 250 प्लस ग्रोथ के साथ मिलेगा। अब जो कॉन्स्टेंट ग्रोथ का मॉडल है, अब इसके अंदर हम डायरेक्टली इसे सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हमें ये करना होगा कि हमें ये जो फर्स्ट थ्री डिविडेंड स्ट्रीम है इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जो फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स हमारे पास डिविडेंड विद ग्रोथ आ रहा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें सेपरेटली फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले 3 साल के लिए तो हम एन्यूटी फैक्टर लगा देते हैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, 250। तो 250,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 14% के एन्यूटी फैक्टर। सो 14% का जो एन्यूटी फैक्टर है वो आपको टेबल से देखना पड़ेगा,
एन्यूटी फैक्टर 1 से 3 14% होता है, तो वो रेट आपको 14% पे मिलेगा, दैट इज 2.322 2.322. सो 2,50,000 14% पर 2.322 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है 0.580 मिली. ये एक आपने पहले 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर, उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपने फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स पे फॉर्मूला लगाया, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स पे आपने फॉर्मूला लगाया. अब इसमें आपने फॉर्मूला लगाया पी नॉट इज इक्वल टू डी वन प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस फोर्थ ईयर इंक्लूसिव. जहां से फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगा रहे हैं हम फोर्थ ईयर इंक्लूसिव. सो 2,50,000 वन प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय 14% माइनस 4%. अब इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.7. इसका आंसर हम कैलकुलेट करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, तो हम 250 पे कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी. सो 250 × 1.04, दैट इज 260 डिवाइडेड बाय 0.10 एंड दैट इज 2600. और ये 2600 जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने एयर 4 कंसिडर किया है, तो ये एयर 3 पर आ रही है. ये एयर 3 के एंड के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो आ रही है. यानी कि अगर मैं इस टाइम लाइन की बात करूँ तो जब मैं यहाँ से ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो ये थर्ड ईयर के एंड पर आ रहा है, तो मुझे इसको रीडिस्काउंट करना पड़ेगा थर्ड ईयर के फैक्टर. हमें जब उसे रीडिस्काउंट करने जाऊंगा तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मुझे 14% का थर्ड ईयर का चाहिए एंड दैट इज 0.657. तो इसे मैं दोबारा डिस्काउंट करूंगा 2600 को. 2600 मल्टीप्लाई बाय 0.657 1708 अप्रोक्सीमेटली 1708 ये 1000 के अंदर आंसर आ गया. और ऊपर जो हमारे पास आंसर आ रहा है उसको प्लस कर देते हैं इसके अंदर. सो टोटल आंसर हमारा हो जाएगा 0.580 तो उसका था, और इसको हम 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.708. सो टोटल आ जाएगा 2.288 इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स. और अगर शेयर प्राइस कैलकुलेट करनी है तो शेयर प्राइस इज इक्वल टू 2.288 डिवाइडेड बाय 2 1.998. राउंडिंग ऑफ की वजह से आंसर काफ़ी वेरी कर रहा है, क्योंकि अगर हमें जो फैक्टर है 0.657 को इसको 666 कर देता हूँ तो आंसर काफ़ी वेरी हो जाएगा. तो ये मैनेजेबल आंसर है जिसको लिया जा सकता है इस तरह से. लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल हमारा करंट डिविडेंड है 100,000, then dividend growth जो हमारी आ रही है वो है 5% thereafter. Cost of equity हमने calculate की हुई है already and that the cost of equity is 10% per annum. Calculate the value of business
using dividend valuation model. Now, first of all, हमें ये देखना है कि हमें पहले दो साल का जो डिविडेंड है उसकी पीवी फाइंड आउट करनी है. तो ईयर वन में हमारे पास जो डिविडेंड आएगा वो आएगा 1,00,000. इसको ईयर वन के डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. ईयर टू में हमारे पास जो डिविडेंड आएगा 1,00,000, उसको ईयर टू से ईयर डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 10% पे. इसको एन्यूटी फैक्टर से भी कर सकते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से भी कर सकते हैं. सिंपलीफाई करने के लिए मैं 100 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन स्टेड ऑफ 100,000. तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.909, दिस इज 90.9 एंड दिस इज 82.6. सो पीवी आ गई आपकी, दो साल के डिविडेंड की पीवी आ गई 90.9 प्लस 82.6, तो दिस इज 173.5. ये पहले दो साल के डिविडेंड की पीवी आ गई. अब थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स जो हमारा डिविडेंड होगा, तीसरे साल से ऑनवर्ड्स में 5% की ग्रोथ आएगी. सो थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो हमारा डिविडेंड आएगा वो आएगा 100,000 इंटू 1.05. 100 पे कैलकुलेशन करते थे सिंपल, 100 इंटू 1.05 एंड दैट इज 105. थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स डिविडेंड आएगा, इसका हम फार्मूला लगा देते हैं. तो फार्मूला हमारा लगेगा 100 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% माइनस दी डिविडेंड ग्रोथ रेट. तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 0.05, सो दैट इज 2100. और ये जो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ रही है डिविडेंड की, ये आ रही है सेकेंड ईयर एंड के ऊपर, क्योंकि हमने थर्ड ईयर प्लस लिया है तो एक साल पीछे आएगा. अब सेकेंड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर हमारे पास 10% के ऊपर, तो सेकेंड ईयर का हमारे पास जो डिस्काउंट फैक्टर है दैट इज 0.826. इससे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2100 को मल्टीप्लाई बाय 0.826, हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू पता लग जाएगी 0.826 and that is 1734.6. So this is the present value of future dividend. So total present value हमारी हो गई, हमने ऊपर दो dividend की निकाली थी 173.5 and 1734.6. इन दोनों को plus कर देते हैं. So answer होगा 1908.1. अब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें उसका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का. अगर हम उसके बेनिफिट्स के ऊपर बात कर लें तो ये मॉडल इतना ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये एक साउंड थियोरेटिकल बेसिस रखता है, क्योंकि फंडामेंटली शेयर को वैल्यू करने का जो तरीका है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस. तो हमने जो इसकी बेस बनाई है वैल्यूएशन की वो एक साउंड थ्योरेटिकल बेस है, जिसकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली वही तरीका हमने यूज़ किया जो मार्केट के अंदर यूज़ किया जा सकता है. दूसरा ये है कि इट्स यूजफुल फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, उन शेयर होल्डर्स के लिए जिनका बिजनेस के अंदर कंट्रोल नहीं होता. तो वो अल्टीमेटली दे आर डिपेंडिंग ऑन डिविडेंड. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर शेयर होल्डर्स डिविडेंड पे होल एंड सोल डिपेंड कर रहे हैं तो उनकी जो वैल्यूएशन का मेथड होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल होता है. एज फार एज द प्रॉब्लम्स आर कंसर्न, सो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की अपनी लिमिटेशन है, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ. कोई भी कंपनी कंसिस्टेंटली कांस्टेंट डिविडेंड नहीं देती, अनइवन ग्रोथ रेट तो हो सकता है. सो कांस्टेंट ग्रोथ की अजम्पशन इज नॉट अ वैलिड अजम्पशन.
दूसरा प्रॉब्लम यह है कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल शेयर होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल गेन को इग्नोर कर देता है, हालांकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कैपिटल गेन में भी इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरा ये है कि अनलिस्टेड कंपनी के लिए ये मॉडल सूटेबल नहीं है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी की शेयर प्राइस और अनलिस्टेड कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हम अल्टीमेटली कैपम से निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए बीटा फैक्टर हमें फाइंड आउट करने के लिए अप्रोक्सीमेशन की अजम्पशन लेनी पड़ेगी, और क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी की शेयर प्राइस इजीली अवेलेबल होती है और प्राइवेट कंपनी की शेयर प्राइस इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो इस ये मॉडल इस बेसिस के ऊपर एक ऑथेंटिक मॉडल कंसिडर नहीं किया जाता।